इस देश का दुर्भाग्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं उनके प्रति अन्याय हमेशा होते रहते हैं, हमेशा जी। अब ये जो कल इन चार जजेस ने मसला उठाया है, इसमें एक मसला वो भी है कि जस्टिस कर्णन के खिलाफ जो बेंच बनी उसमें भी किस जजेस को रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, उसको भी जो उसमें ये मसला उसमें भी उठा है, इन चारों जजेस ने भी उठाया है। तो ये बात जरूर आती है, हर कोई सोच सकता है यार उसे शायद इसीलिए सजा दे दी गई क्योंकि वो अनुसूचित जाति और जनजाति से है, SC ST समाज से है, अगर वो किसी सवर्ण समाज से होता शायद उसे सजा नहीं मिलती। तो कोई भी ये बात सोच सकता है। सर मेरा मानना यही है कि जब भ्रष्टाचार की बात चल रही है और भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं और ये चार जजी ने भी यही बात की है और वो कर्नल साहब ने भी बात की थी, तो मेरा कहना ये है कि जो उन पर ला लगा था वो ला इनपे भी लगेगा। नहीं देखिये, ये फैसला तो क्या ला लगेगा नहीं लगेगा, इसका फैसला तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही करे, लेकिन मेरा एक इसमें व्यक्तिगत मेरा विचार है, दो मेरे विचार हैं कि ये बहुत गंभीर मसला है जी, और माननीय चीफ जस्टिस जी को नैतिक आधार पर तुरंत इसी पर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सवाल उन्होंने उठाए हैं चारों जजेस ने, उनकी बिल्कुल तह तक जाकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि इससे अगर वो लोकतंत्र खतरे की बात सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं तो मामला बहुत गंभीर है। तो उसकी बिल्कुल एक हाई पावर कमेटी बना के, चाहे सुप्रीम कोर्ट स्वयं सारी फुल बेंच बैठे और वो सारे मसले को देखे, सारे मसले की जांच पड़ताल करे, सब कुछ हो, लेकिन उसकी डेप्थ में जाना चाहिए कि आखिर मसला क्या है, क्यों इतना सब कुछ हुआ है, और उसको जाके खोज के जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा ये सारी चीजें चलती रहेंगी और देश की जनता जो केवल बेचारी सिर्फ तमाशा देखने भर गई, जो एक दर्शक बन के रह गई है, वो इसी तरह से दर्शक बनी रहेगी। और ऐसी संस्थाएं जहां सबको न्याय मिलता है, जहां से उम्मीद होती है जनता को, वो सारी की सारी जो है उसकी उम्मीदें सब धूमिल हो जाएंगी और जनता पिसती रहेगी। तो गहराई में जाके सच्चाई पूरी पता लगे, दोषियों को दंडित किया जाए, मेरा मानना यह है।